9 साल और 25 फिल्में। इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही फिल्म दबंग से 2010 में रज्जो का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। 2012 में रज्जो पांडे बनी और एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाने के लिए रज्जो पांडे 2019 में वापस आ गई हैं। स्वागत नहीं करेंगे आप इनका, वेलकम सोनाक्षी। थैंक यू वेरी मच सोनाक्षी। जिस तरह का किरदार आप निभाती हैं, हम कह सकते हैं रज्जो दिन पर दिन खूबसूरत और बहुत ही चुलबुली होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच, अच्छी बात कही आपने क्योंकि 9 सालों में उसका ऑपोजिट होता है, बट अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है। ओके सोनाक्षी, जिस तरीके से हम देखते हैं रज्जो का किरदार है, एक जब आप एक पहली कोई फ्रेंचाइज होती है दबंग की, दबंग 2 की, दबंग 3, एक प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है क्योंकि लोग ऑलरेडी उस किरदार को इतना प्यार दे रहे होते हैं कि आपको बेस्ट देना होता है। आप किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करते हो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इस चीज़ से टैकल करना। आई थिंक जब कोई देखिए फिल्म ऐसी है जहाँ पर जो किरदार है वो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड और बहुत ही वाइडली लव्ड हुए हैं, तो उन्हें बदलने का कोई मतलब नहीं होता। जब दबंग आई इंस्टेंट हिट हुई, दबंग 2 आई उससे बड़ी हिट हुई, तो कोशिश यही रहती है कि एज अ फिल्म, एज अ स्टोरी हम ऑडियंस को कुछ नया दे, किरदार को बदलने का मतलब नहीं बनता क्योंकि वो इस फिल्म का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आई थिंक इसके साथ हमने स्टोरी को भी थोड़ा बहुत ट्विक किया है, प्रीक्वल में चले गए हैं कि चुलबुल पांडे कैसे बने वो बताया गया है, तो एक वो इंटरेस्ट लेवल रखने के लिए ऑडियंस का। सोनाक्षी, जैसे कि हमने देखा कि आप किरदार जब निभाती हैं तो वो काफ़ी अलग होते हैं, और अगर इस फिल्म की बात करें तो इसमें भी आपने हर दबंग में थोड़ा अलग किरदार मतलब अलग तरीके से निभाया, दबंग 2 में थोड़ा अलग, दबंग 3 में हम आपके एक्सप्रेशंस, गाने, सॉन्ग्स देख रहे काफ़ी अलग है। जब आप सई को देखती हो, क्योंकि आप भी इस फिल्म से ने डेब्यू किया था इस इंडस्ट्री में, एंड नाउ सई इज कमिंग, आप कितना कोरिलेट कर पाती हो उससे, या फिर कोई ऐसी मेमोरी फ्रेश अप हो जाती कि लाइक यस मैं भी न्यू आई थी तो या इनफैक्ट हम शूट करे थे साथ में और एक किसी के घर पे फल्टन में, और वहाँ पर कुछ बच्चे आ गए और मेरा ऑटोग्राफ लिया, सई का ऑटोग्राफ लिया, और वो कह रही थी कि मेरा पहला ऑटोग्राफ है। तो मुझे भी याद है कि मेरा पहला ऑटोग्राफ मैंने दबंग के शूट पे ही दिया था कुछ बच्चों को, एंड इट वाज लाइक सिमिलर मेमोरीज कमिंग अप। तो शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड आई होप कि जितना अच्छा लॉन्च दबंग मेरे लिए था उतना ही अच्छा उसके लिए भी हो। ये सोनाक्षी, आप कितना एंजॉय करते हो सलमान के साथ रोमांस करना, क्योंकि वो एक अलग तरीके का होता है, हर एक एक्ट्रेस का ख्वाब होता है कि खान के साथ रोमांस करना, और आपको ये तीसरी बार मौका मिल रहा है। जी आई थिंक एक कंफर्ट सी हो गई है आई थिंक, क्योंकि हम ये कैरेक्टर्स को शुरुआत से निभा रहे हैं, एंड आई थिंक अच्छा है क्योंकि एक इक्वेशन जो हमारा है वो फिल्मों के बियॉन्ड है। उनके डैड और मेरे डैड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, इतना काम किया है, तो वो परिवार का एक रिश्ता है, तो एक कंफर्ट है वहाँ पर, तो इससे इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। जैसे कि सेट पे एक माहौल सा रहता है, जब सलमान खान है वहाँ मस्ती ना हो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है, और आप खुद चुलबुली सी हैं, तो सेट पे माहौल कैसा था? समटाइम्स जब न्यू कमर्स आते हैं तो वो थोड़े डरे रहते हैं, इस बार का सेट का माहौल कैसा था? बिल्कुल नहीं, हमारा सेट का माहौल हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही खुश रहता है एंड पॉजिटिव रहता है, तो आई थिंक सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से गेट अलॉन्ग करते हैं, सब एक दूसरे के दोस्त है। सही भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो अभी न्यू है या कुछ, इतने अच्छे से घुल मिल गई सबके साथ, तो इट वाज रियली अ लवली एक्सपीरियंस। ओके सोनाक्षी, आपके लिए क्या बॉक्स ऑफिस मैटर करता है, क्योंकि जब हम फिल्म करते हैं मेहनत होती है उसके पीछे, तो क्या आपके लिए बॉक्स ऑफिस मैटर करता है? ये कुछ हर कोई चाहता है कि जो फिल्म बनाते चाहता है कि फिल्म अच्छा बिजनेस करे, क्योंकि फिर लोग फिल्में ही क्यों बनाते, तो यू वॉन्ट एज मैनी पीपल टू कम एंड वॉच द फिल्म, वो नंबर्स अच्छा करे, बट ऑनेस्टली मेरे लिए और मायने रखता है कि लोग फिल्म इंजॉय करें, आपका काम अप्रिशिएट करें, और क्योंकि नंबर्स एनीवे मुझे समझ में नहीं आते, अच्छा है अगर फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे, उसका मतलब यही होता है कि ज़्यादा लोगों ने फिल्में देख ली। जी जैसे कि हम
थोड़ा रिसर्च कर रहे थे जब आपके बारे में, तब हमने देखा आपने इस साल 6 फिल्में बैक टू बैक की हैं, एंड दबंग 4 की हैं, 6 जो हमें दिखाया था, एंड दबंग 3 आपकी 25th फिल्म है जी. कितना मजा आया, और इस सवाल के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कितना मजा आया ये पूरा साल आपको. कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला, मतलब जो स्टार्ट जैन से बैक टू बैक मैंने शूट की है 4, दबंग मेरी चौथी रिलीज है इस साल की, एंड यू नो इट्स बीन एन अमेजिंग ईयर. आई मीन यू प्रे फॉर वर्क लाइक दिस, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि यू नो मेरी झोली में इतना काम आ रहा है, एंड अच्छा काम आ रहा है, और मैं कर पा रही हूँ, और इतने अलग अलग रोल्स मैं कर पा रही हूँ, सो आई एम लविंग इट. ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल का जो जवाब है कुछ लोगों के लिए जवाब है, जो वो ट्रोलर्स बैठ के कुछ भी कमेंट करते हैं ट्विटर पे इंस्टा पे कि बॉडी शेमिंग करेंगे, या काम को लेकर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपके पास काम नहीं है, या आप ये क्यों कर कैरेक्टर कर रहे हैं. ये आई थिंक उनके लिए सही जवाब होगा. अब बिल्कुल सही जवाब. आई मीन इससे मैं समझती हूँ कि उनको जवाब देना, इससे बेटर जवाब और कोई है कि आप अपना काम करो, अच्छा काम करो, आगे बढ़ो, और वो लोग तो है वहीं पर. एंड शायद अब सोनाक्षी सिन्हा उन ट्रोलर्स से अफेक्ट नहीं होती है. मे बी मैं अफेक्ट नहीं होती हूँ. हाँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि यू नो मुझे पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें ना नेगेटिविटी होती है, तो मैं इससे दूर ही रहती हूँ. सोनाक्षी, जैसे हम फिल्मों की बात करते हैं, तो अगर कोई ऐसी फिल्म है जो आप नहीं करना चाहती, कोई एक जॉनरा होगा. जॉनरा आई थिंक मुझे हॉरर फिल्म में मैं नहीं देख पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, तो आई डोंट थिंक मैं हॉरर फिल्म का हिस्सा बनना चाहूंगी. तो कह सकते हैं प्यार के साथ हॉरर के साथ का भी डर लगता है. हाँ, बहुत है. रज्जो को डर लगता है. ओके. और अगर आपकी फिल्मों की बात करें, 25 फिल्में हो गई, कोई एक ऐसे फिल्म जो आपके दिल के करीब हो और आप आज भी उसे बहुत मानती हैं, पसंद करती हैं? आई थिंक हर फिल्म जो मैंने की है यू नो एकदम लगन के साथ, एकदम दिल के साथ की है, बट किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती. परफॉर्मेंस जिसमें मेरी अप्रिशिएट हुई थी वो लुटेरा थी, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. राउडी राठौर, यू नो अकीरा, नूर, खानदानी शफा खाना, मिशन मंगल, इस मतलब मैं तो हर 25 फिल्मों के नाम बता दूँ आपको क्योंकि वो हर एक्सपीरियंस मेरे लिए यू नो बहुत ही यादगार रहा है, एंड कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है मैंने उससे, तो हर फिल्म स्पेशल होती है मेरे लिए. एज अ सोनाक्षी सिन्हा, क्या आप लक को मानती हैं? लक को मानती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स. आई थिंक लक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी की किस्मत बनाने में, एंड या लक को मानती हूँ. बहुत अच्छी बात है. लेकिन एक चीज़ जो हमें पता चली है, एंड शायद ये बहुत अच्छी चीज़ है, कि अमेजोन ने राइट्स ले लिए हैं दबंग 3 के. Really? Yes, OTT प्लेटफॉर्म पे जो फैब में आने वाले हैं. ओह नहीं, मुझे नहीं पता ये बात, बट इट्स ग्रेट इफ इट्स हैपेंड, बट मुझे इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ओके. सोनाक्षी, जिस तरीके का इन दिनों माहौल है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आए दिन कोई ऐसी घटना हमें सुनने मिलती है कि लड़की के साथ ये हो गया, इस महिला के साथ ये हो गया. जब आप इस तरीके से बीइंग अ फीमेल ये घटनाओं के बारे में सुनती है, आपके दिल और दिमाग पे क्या बीतती है? खून बोलता है. आई थिंक हर महिला इस देश में एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ जी रही है कि क्या हम सेफ भी नहीं रह सकते हमारे देश में. एंड यू नो 7 साल हो गए निर्भया केस को, और अभी तक ये सारी चीज़ें हो रही है. बहुत ही शर्मनाक चीज़ है. एंड ये भी नहीं कि यू नो एक आध बार हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि ऐसी कोई यू नो घटिया किस्से सुनने में आ रहा है. एंड इट्स रियली शेमफुल, क्योंकि आज ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो इंडियाज़ डॉटर कहलाना चाहेगी, क्योंकि जहाँ पर हम सेफ नहीं हैं क्या फ़ायदा. क्योंकि आजकल लोग ब्लेम गेम खेलना जानते हैं, कुछ होता है अपना ब्लेम किसी और पे, किसी और का ब्लेम किसी और पे डालते हैं, कहते हैं कि लड़कियां कपड़े इस तरीके से पहनती हैं, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर आजकल जो बॉलीवुड की फिल्म है वो उनकी वजह से हो रही है, आप छोटे कपड़े ना पहनो. आपकी सब तो फालतू की बात है ना. आप अपना माइंड सेट चेंज करो ना. कपड़े जो भी हो, अगर आप बचपन से आपको सिखाया जाए कि लड़कियों को इज्जत से देखो,
उसने कपड़े ना भी पहने होते तो फिर ये चीजें नहीं होगी ना, बट सिखाया नहीं जाता. एंड आई थिंक यही से माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है. जी, जैसे कि हमने दबंग 3 का ट्रेलर देखा, उसमें सलमान एक डायलॉग बोलते हैं कि तुम मेरे घर आए ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम मेरे घर तब आए जब मैं घर पे नहीं था, ये तुम्हारी गलती थी. क्या आप इसको समवेयर, क्योंकि वो भी एक फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ही कहा गया डायलॉग है जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है? नहीं, एंड आई डोंट थिंक मैं ये दोनों चीज़ों को कोरिलेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो आपने मुझसे पूछा. एंड आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू रिलेटेड टू द फिल्म, क्योंकि फिल्में, कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जो इन सच्ची घटनाओं पर आधारित रही हैं, इनसे इंस्पायर होकर बनाई गई कि ये चीज़ें हो रही हैं. अभी फिल्म जैसे कि पहले मर्दानी आई थी, मर्दानी 2 भी आ रही है, ऐसी कई फिल्में, इवन कई एक्टर्स हैं जो स्पेशली गर्ल्स को कहते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें. इसके लिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी. नहीं, मैं तो कब से कह रही हूँ, मतलब अकीरा से पहले भी मैं कहती थी कि सेल्फ डिफेंस को तो करिकुलम में डाल देना चाहिए, लड़कियों को स्कूल लेवल से सिखाना चाहिए हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं नोबडी एल्स इज डूइंग इट, तो बच्चा क्या, हमें ही अपना ख्याल रखना होगा ना. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ डिफेंस टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज. सोनाक्षी, थैंक यू, क्योंकि आप हर मुद्दे पे हमसे खुल के बात करती हैं. और लेकिन हम वापस से आते हैं दबंग 3 के मुद्दे पे. दबंग 3 के हम जो गाने देख रहे हैं उसमें आपने काफ़ी फनी या फिर कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ अलग से डांस मूव्स हैं, कितना मज़ा आया वो करते हुए, क्योंकि हमने वो इंस्टा पे कुछ वीडियोस भी देखे जो आपके. और वो वैभवी मर्चेंट मैम ने मुझे जो कहा है करने को मैंने वही कहा किया है. एंड बहुत मज़ा आया उनके साथ शूट करके, पहली बार है जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, एंड शी इज़ रियली वंडरफुल. तो खुशी की बात यह है कि पहली बार एक ऐसा डांस नंबर मिला है मुझे दबंग में सीरीज में, क्योंकि पिछले दो फिल्मों में सिर्फ रोमांटिक गाने थे, इसमें नाचने का मौका मिला और मैं बस आई हैव गॉन ऑल आउट खुल के बॉलीवुड डांस. थैंक यू सो मच सोनाक्षी हमसे बात करने के लिए. लेकिन चाहेंगे जाते जाते जो ऑडियंसेस और जो आपके फैंस हैं जो आपका वेट करते हैं आपकी फिल्मों का, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि जितना प्यार उन्होंने ऑलरेडी दिया है हमें, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ. एंड उम्मीद है कि उन्हें दबंग 3 के साथ हमें वापस और प्यार देने का मौका मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू.